हेलो एवरीवन, आज गर्मियों के लिए खास चार तरह के अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये सभी अचार खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। आज की पहली रेसिपी है लहसुन मिर्च का सिरके वाला अचार। अचार बनाने के लिए 200 ग्राम हरी मिर्च ली है, जो पतली वाली तीखी वाली हरी मिर्च होती है वही यूज कर रही हूँ। सिरके में मिर्च का तीखापन थोड़ा कम हो जाता है। 200 ग्राम हरी मिर्च ली है और 75 ग्राम लहसुन है, इसको छील लिया, अच्छी तरह से धो लिया और मिर्च में से डंडी वगैरह इसकी हटा ली और इसको भी अच्छी तरह से धो लिया। धोने के बाद दोनों चीजों को धूप में सुखा लिया, इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर इससे निकल जाएगा। अगर धूप नहीं है तो आप इसको किचन टॉवल पर सुखाकर और पंखे में भी थोड़ी देर के लिए रख दें तो उससे भी इसका मॉइस्चर खत्म हो जाता है। अचार हमेशा मॉइस्चर की वजह से ही खराब होता है, तो इस चीज का ध्यान रखें, इसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर है, जैसे कि हमने जो धोया है, जो इसका पानी है वो सूखना चाहिए, जो इसका नेचुरल मॉइस्चर है वो तो इसमें रहेगा ही, तो इसको हमने सुखा लिया है। अब हम इसको काट लेंगे, तो मिर्च को पहले हम काट लेते हैं। मिर्च को हम कई तरीके से काट सकते हैं, मैं दो तीन तरीके आपको बता देती हूँ। जो भी तरीका आपको पसंद आए उस तरह से आप मिर्च को काट सकते हैं। जो भी बर्तन आप यूज करें अचार बनाने में वो एकदम साफ और सूखा होना चाहिए, तो इसको हम बीच में से भी काट सकते हैं, इस तरह से दो टुकड़े कर लेंगे, या आप अपने पसंद से भी इसको काट सकते हैं साइज में। एक तरीका ये भी है कि आप इसको इस तरह से चीरा लगा लें, या तो आप इसको बिल्कुल अलग भी कर सकते हैं, या आप इसको इस तरह से आधा काटे, पूरा ना काटे, आधा इसको चीरा लगा ले, इस तरह से भी रख सकते हैं। और अगर आप साबुत रखना चाहते हैं तो साबुत मिर्च भी आप रख सकते हैं, सिर्फ ऊपर से आपको थोड़ा सा हिस्सा इस तरह से काट देना है जिससे कि सिरका जो है मिर्च में अच्छी तरह से चला जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, तभी ये टेस्टी लगेगी। तो आप अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी तरीके से इसको काट सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद है। मैं इसे दो टुकड़ों में काट लेती हूँ। मिर्च को हमने काट लिया है, अब हम इसमें लहसुन डालेंगे। अगर आप लहसुन ज्यादा पसंद करते हैं तो ज्यादा भी डाल सकते हैं, और अगर आप लहसुन नहीं खाते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ हरी मिर्च से बना सकते हैं। ये लहसुन हम इसमें डाल देंगे। इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून नमक। इस अचार में नमक थोड़ा ज्यादा डलेगा क्योंकि सिरका है, तो सिरके में नमक थोड़ा ज्यादा लगता है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी नमक डाल सकते हैं, या बाद में चख लें और आपको कम लगे तो भी आप डाल सकते हैं। तो 3 टेबलस्पून नमक मैं इसमें डाल रही हूँ। साफ सूखे चम्मच से हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे सिरका, तो आप कोई सा भी सिरका यूज कर सकते हैं। ये जो व्हाइट विनेगर होता है जो चाइनीज फूड में हम यूज करते हैं वो भी आप डाल सकते हैं। आपके पास एप्पल साइडर विनेगर है वो भी आप डाल सकते हैं, या आपके पास जामुन का या गन्ने वाला जो सिरका होता है वो है तो वो भी आप डाल सकते हैं। जो सिरका आपके पास हो वो आप डाल सकते हैं। मैं इसमें जामुन का सिरका यूज कर रही हूँ। तो सिरका हमें इतना डालना है कि जो हमारा मिर्च और लहसुन है ये इसमें डूब जाए। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस अचार को आप अगर साग के साथ खाना चाहते हैं तो 2-3 घंटे बाद ही खाएं, जिससे कि मिर्च में जो है सिरके का टेस्ट आ जाएगा, तभी ये अच्छा लगेगा। और इसे 4 से 5 दिन आप धूप में रखें, उसके बाद इसे खाएं तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। मिर्च और जो लहसुन है ये सिरके का फ्लेवर जो है अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगा, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो इसे 4-5 दिन आप धूप में रखें, उसके बाद खाएं। ये अचार लंबे समय तक खराब नहीं होता है, इसे आप लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। बस इसमें ध्यान आपने यही रखना है कि आपने इसमें गीला चम्मच नहीं डालना है, साफ सूखे चम्मच से ही इसे निकाले, और इसमें किसी भी तरह से मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए। नमक और सिरका दोनों ही प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं, तो ये अचार जल्दी से खराब नहीं होता। और जब ये मिर्च और लहसुन खत्म हो जाए तो आप इसमें वापस से इस सिरके को फेंके नहीं, इसी में वापस से आप फिर से मिर्च डाल दें या लहसुन डाल दें, आपका अचार दोबारा बन जाएगा। तो इस सिरके को आप दोबारा यूज कर सकते हैं। अब हम इसे एक साफ सूखे कांच के जार में भर लेते हैं। मिर्च और लहसुन का बिना तेल मसाले का सिरके वाला अचार बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, आप एक बार ट्राई जरूर करके देखिएगा। दूसरी रेसिपी है आम का खट्टा मीठा अचार। आम का खट्टा मीठा अचार बनाने के लिए 1/2 किलो कच्चे आम लिए हैं। इसे अच्छी तरह से धो लिया और उसके बाद पोंछ लिया है। आप अगर छीलने के बाद इसको धोना चाहते हैं तब भी इसको धोकर और पोंछ अच्छी तरह से लें, इसमें पानी ना रहे। तो इसको हमने पहले से ही धो लिया है और पोंछ लिया है, अब हम इसको छील लेंगे। सारे आम को छील लिया है, अब इसे काट लेंगे। तो पहले इसे इस तरह से काट के देखते हैं, इसमें जाली पड़ चुकी है तो इसलिए ये पूरा नहीं कट रहा है। अगर आम में जाली ना पड़ी हो तो वो आसानी से 2 टुकड़ों में कट जाता है, तब आप उसमें से बीच वाला जो व्हाइट कलर की इसमें गुठली होती है उसे निकाल सकते हैं आसानी से। अगर जाली पड़ चुकी है तो आप किनारे से इसका पल्प इस तरह से निकाल लें और गुठली वाला हिस्सा हम छोड़ देंगे। तो सारे आम में से हम पल्प अलग कर लेते हैं।
आम का पल्प निकाल लिया है और ये जो गुठली है इसे हम हटा देंगे, ये हम नहीं डाल रहे हैं। अब इसको आप अपने मनपसंद साइज में काट सकते हैं। मैं इस तरह के टुकड़ों में से काट ले रही हूं, तो आप अपने मनपसंद साइज में इसको काट सकते हैं। सारे आम को काट लिया है। अब इसके लिए पहले हम एक मसाला बनाकर तैयार करते हैं। पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें कुछ मसालों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे, तो इसमें डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना कम ही लें वरना जो हमारा अचार का मसाला है कड़वा हो जाएगा, तो आधा छोटा चम्मच लिया है। इसी के साथ आधा छोटा चम्मच अजवाइन, दो छोटे चम्मच साबुत धनिया और दो छोटे चम्मच सौंफ ली है मोटी वाली। इसे मैं दो तरह से डालूंगी, एक तड़के में भी डालूंगी और एक इस समय मसाले के साथ भी रोस्ट करूंगी। तो दो छोटे चम्मच है, इसमें से एक छोटा चम्मच सौंफ मैं इस समय डाल दूंगी और एक को हमने तड़के के लिए बचा लिया है। सभी मसालों को पहले से ही साफ कर लिया था अच्छी तरह से साफ जरूर कर लें, इसे देख लें इसमें किसी तरह की इम्प्योरिटी ना हो। और इसी के साथ मैं डाल रही हूँ इसमें दो से तीन साबुत लाल मिर्च। आप मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं, या अगर आप इसमें पिसी हुई मिर्च पाउडर डालना चाहें तो वो भी बाद में डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से रोस्ट करके डालेंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो ये तीन साबुत लाल मिर्च डाल देंगे, इसे भी साथ ही रोस्ट कर लेंगे। सभी मसालों को लो फ्लेम पर हमें एक से दो मिनट के लिए रोस्ट करना है, इसमें से मॉइस्चर निकल जाए और इसमें से बढ़िया से खुशबू आने लग जाए। इस मसाले से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इस अचार का। अगर आप ये मसाला नहीं डालना चाहते तो मैंने एक अचार के मसाले की रेसिपी पहले भी आपके साथ शेयर की है, वो अचार का मसाला भी आप इसमें डाल सकते हैं। मसालों को एक से दो मिनट के लिए लो फ्लेम पर हमने रोस्ट कर लिया है, इसमें से मॉइस्चर निकल गया है, इसका कलर चेंज नहीं हुआ है लेकिन इसमें से बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आने लगी है। अब फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इन मसालों को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसे दरदरा पीस लेंगे। मसालों को ठंडा करके इस तरह से दरदरा पीस लिया है और इसी पैन में मैं अचार बना रही हूँ। आप इसकी जगह कढ़ाई का यूज भी कर सकते हैं। अब हम पैन में डालेंगे दो छोटे चम्मच के करीब सरसों तेल, मैं यूज कर रही हूँ, आप रिफाइंड का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन सरसों तेल में बनाकर देखिएगा अचार बहुत ही टेस्टी लगता है। इस तेल को पहले से ही धुआं उठने तक गर्म कर लिया था, उसके बाद ठंडा कर लिया है, तो ये डाल देते हैं हम और इसको अब हम मीडियम फ्लेम पर गरम होने देंगे। तेल गरम हो गया है, अब इसमें डालेंगे जो हमने सौंफ बचा के रखी थी एक छोटा चम्मच, वो डालेंगे। सौंफ को आप दोनों तरीके से डाल सकते हैं, जैसे मसाले के साथ भी पीस सकते हैं और इस तरह तड़के में भी डाल सकते हैं, या आप सिर्फ किसी भी एक तरीके से डालें, सिर्फ तड़के में डालें या सिर्फ मसाले में डालें, जैसा आपको पसंद हो वैसा आप कर सकते हैं। तो ये सौंफ डाल देंगे और इसी के साथ डालूंगी आधा छोटा चम्मच कलौंजी, इसे मंगरेला भी बोलते हैं, इसे चटकने देते हैं। सौंफ और कलौंजी भुन गए हैं, अब इसमें आम जो हमने काट के रखे थे इसे डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच सादा नमक, इसमें हम सेंधा नमक और काला नमक का यूज भी करने वाले हैं, इसलिए अभी एक छोटा चम्मच सादा नमक डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार नमक ले सकते हैं। मिक्स कर देंगे सभी चीजों को और फ्लेम कर देंगे अब हम लो। मिक्स करने के बाद अब इसे ढक देंगे और ढककर लो फ्लेम पर इसे हम पकने देंगे लगभग 5 मिनट के लिए, ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएं हमारे आम, और इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, ऐसे ही इसको पकाएंगे लो फ्लेम पर। जितने आम हमारे सॉफ्ट होते हैं उतने हम गुड़ का सिरप बनाकर तैयार करते हैं, तो इसे हम दूसरे बर्नर पर शिफ्ट कर देते हैं और इस पर हम रखेंगे ये एक पैन, इसमें डालेंगे आधा कप पानी और इसमें डाल देंगे आधा किलो गुड़। आधा किलो आम लिए थे तो आधा किलो ही मैं गुड़ इसमें यूज कर रही हूँ, थोड़ा सा मीठा ये अचार मुझे अच्छा लगता है। आप अपने हिसाब से कम कर सकते हैं गुड़ की मात्रा, और गुड़ की जगह अगर आप चीनी लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, गुड़ के साथ ये अचार ज्यादा अच्छा लगता है, तो गुड़ के साथ ट्राई करके देखिए। अब गुड़ को हमें सिर्फ पिघलने तक इसको पकाना है, गुड़ इसमें घुल जाए ऐसा ही इतना ही इसे हमें पकाना है, इसे चाशनी इसकी अभी हमें नहीं बनानी है, तो इसे हम पिघलने तक पका लेंगे। गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो गया है, अब इसे हम हटा लेंगे, इससे ज्यादा इसे हमें नहीं पकाना है, इसकी तार की चाशनी हमें नहीं बनानी है, सिर्फ गुड़ मेल्ट हो जाए इतना ही पकाएंगे। तो इसे हम हटा लेते हैं और आम वाला पैन वापस से इसी तरफ शिफ्ट कर देंगे। 5 मिनट हो गए हैं तो आम को भी एक बार चेक कर लेते हैं, आम में हमने पानी बिल्कुल नहीं डाला था, इसे हम ढककर पकाएंगे तो इसी के भाप में ये पक जाता है। आम लगभग पक चुका है, 50% पक जाइए इतना ही इसे गलाना है, तो 50% के करीब ये गल चुका है, बस इससे ज्यादा इसे नहीं पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने गुड़ का सिरप बना के रखा था, इसे हम छन्नी की हेल्प से छान लेंगे जिससे कि गुड़ में अगर कोई भी इम्प्योरिटी हो तो वो निकल जाए। एक बार चलाकर अब इसमें हम जो हमने मसाला पीस कर रखा था ये मसाला डाल देंगे और इसी के साथ डालेंगे आधा छोटा चम्मच काला नमक, आधा छोटा चम्मच सेंधा नमक,
इन तीनों तरह के नमक डालने से इस अचार का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। आप सिर्फ सादा नमक के साथ भी इसे बना सकते हैं, लेकिन काला नमक और सेंधा नमक अगर आप डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। सभी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें एक तार की चाशनी ना बनने लगे। और फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखनी है, लो फ्लेम पर ही पकाना है इसको। और इसमें जब एक तार की चाशनी बनने लग जाए तब तक हमें इसे पकाना है। अगर चाशनी पतली रह जाएगी तो अचार जल्दी खराब हो सकता है, तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखें। अब इसे हम धीमी आंच पर पका लेते हैं। चाशनी पहले से काफी गाढ़ी हो चुकी है और आम भी पूरी तरह से पक गए हैं। चाशनी को चेक कर लेते हैं, तो इसको थोड़ा सा इस तरह से हाथ पे लें, ठंडा करें और दो उंगलियों के बीच में चिपका कर देखें। अगर एक तार बन रहा है तो यानी आपकी चाशनी परफेक्ट है। इतना ही से पकाना है। अगर तार इसमें नहीं बन रहा हो तो इसे थोड़ी देर और पकाएं। चाशनी में तार बन चुका है, ये काफी गाढ़ी भी हो गई है और ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो गैस अब हम बंद कर देंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसे स्टोर किस तरह से करना है। अचार को ठंडा होने के बाद, पूरी तरह से जब ठंडा हो जाए उसके बाद इसे आप किसी भी कांच के या चीनी मिट्टी के जार में स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसे स्टोर करने का तरीका यह है कि अगर आप 6 महीने के लिए इसे स्टोर करना चाहते हैं तब आप इसमें 2 टेबलस्पून के करीब व्हाइट विनेगर, सफेद सिरका जो कि हम चाइनीज फूड में भी यूज करते हैं, वो इसमें मिक्स कर लें। तब ये 6 महीने तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। लेकिन अगर आप वो नहीं यूज करना चाह रहे हैं तब आप इसको रूम टेम्परेचर पर अगर रखेंगे इसी तरह से, तो रूम टेम्परेचर पर ये 15 से 20 दिन तक खराब नहीं होगा। और अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो 1 से 1.5 महीने तक ये आराम से चल जाता है। तीसरी रेसिपी, कांजी मिर्च यानी मिर्च का पानी वाला अचार। मिर्च का अचार बनाने के लिए ये 100 ग्राम हरी मिर्च ली है, इसे अच्छी तरह से धो लिया है, थोड़ी मोटी वाली मिर्च ली है, एक बहुत ज्यादा मोटी वाली होती है वो भी ये नहीं है, और बिल्कुल पतली वाली जो हरी मिर्च होती है वो भी नहीं है, ये थोड़ी इस तरह की थोड़ी सी मोटी वाली हरी मिर्च है, ये ज्यादा तीखी नहीं है। आप इसके लिए ज्यादा मोटी वाली जो मिर्च होती है उसका भी यूज कर सकते हैं, और जो थोड़ी पतली होती है वो भी यूज कर सकते हैं। आपके टेस्ट पर है आप कैसा तीखा या किस तरह की मिर्च यूज करना चाहते हैं। तो ये इसको अच्छी तरह से धो के लिया है। आप इसको इसकी डंडी के सहित भी ले सकते हैं, मुझे ये पसंद नहीं है तो मैं इसकी इस तरह से डंडी हटा लूंगी। सारी मिर्च की डंडी इस तरह से तोड़कर हटानी है, इसे काटना नहीं है, ना ही इसमें चीरा लगाना है, इसे साबुत ही इस तरह से रखना है। एक बर्तन में 2 कप पानी उबलने के लिए रख दिया है। पानी अच्छी तरह से उबलना चाहिए, फ्लेम हम मीडियम कर देंगे या मीडियम टू हाई कर दें। अच्छी तरह से इसमें उबाल आना चाहिए, इसे ढक देते हैं। पानी बहुत अच्छी तरह से उबलना चाहिए, इस तरह से देखिए बहुत अच्छा इसमें उबाल आ रहा है। अब गैस को हमें बंद कर देना है जब अच्छी तरह से इसमें उबाल आ जाए उसके बाद ही, क्योंकि पानी वाली मिर्च है तो पानी का अच्छी तरह से उबला हुआ होना जरूरी है। पानी अच्छी तरह से उबल गया है, गैस हमने बंद कर दिया है। अब सारी मिर्च हमें इसमें डाल देंगे और साथ के साथ ढक्कन लगा देंगे। इसे इसी तरह से हमें 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। मिर्च हमारी नरम हो जाएगी लेकिन बिल्कुल गलनी नहीं चाहिए, इसलिए गैस जरूर बंद कर दें। इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, उतने हम इसके लिए मसाला बनाते हैं। पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें 1 छोटा चम्मच सौंफ मोटी वाली ये डाल रही हूँ, और 15-16 दाने मेथी दाना। मेथी दाना बहुत कम लेना है, नहीं तो टेस्ट थोड़ा सा कड़वा आ जाएगा, तो इसलिए 15-16 दाने ही मेथी लिए हैं, मेथी दाना। इसे हमें लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी और इसका कलर बहुत हल्का सा चेंज होगा, तो तब तक हम इसे रोस्ट करेंगे। लो फ्लेम पर ही रोस्ट करें। मेथी दाना और सौंफ रोस्ट हो गई है, हल्का सा कलर इसका चेंज हो गया है। फ्लेम बंद कर देंगे और थोड़ी देर इसे ऐसे ही चलाते रहते हैं, नहीं तो ये जल सकता है। उसके बाद इसे ठंडा होने देंगे। सौंफ और मेथी दाना जो हमने रोस्ट किया था वो ठंडा हो गया है, इसे एक मिक्सी जार में डालेंगे। इसी के साथ डाल रही हूँ 3 छोटा चम्मच राई दाना, ये जो बारीक वाली राई होती है। सरसों दाना थोड़ा मोटा वाला होता है, काला वाला, वो नहीं यूज करना है, ये राई यूज करनी है। इससे ही हमारे अचार में खट्टापन आएगा। राई पेट के लिए भी बहुत अच्छी होती है, तो राई से एक तो टेस्ट भी अच्छा आएगा और दूसरा ये हाजमे के लिए भी अच्छा होगा। तो 3 छोटे चम्मच राई इसे भी इसमें डालेंगे। राई को हमें रोस्ट नहीं करना है। 1/2 छोटा चम्मच हींग, हींग से भी टेस्ट अच्छा आता है और डाइजेशन के लिए भी अच्छी है। इसमें जो भी मसाले डले हैं ये हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे हैं, हाजमा हमारा अच्छा करते हैं और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। नमक इसमें थोड़ा सा ज्यादा डलेगा, तो 2 छोटे चम्मच ये नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ले सकते हैं। इन सभी मसालों को हम दरदरा पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक नहीं करना है, हल्का दरदरा रहे इस तरह का दरदरा पीसना है हमें मसालों को। मसाला हमने पीस लिया है, इसे एक बोल में निकाल लेंगे। मिर्च को पानी में 10 मिनट हो गए हैं, ये देखिए मिर्च पहले से सॉफ्ट हो गई है, इसका कलर भी चेंज हो गया है, लेकिन ये बिल्कुल गली नहीं है, इसी तरह की हमें इसे कर लेना है। अब इसे हम पानी में से निकाल लेंगे और एक प्लेट में रख लेते हैं।
सारे मिर्च को हमने पानी में से निकाल लिया है, इसे अब हम ठंडा होने देंगे। और ये पानी भी हमें फेंकना नहीं है, इसे भी हम ठंडा होने देते हैं। अचार बनाने में इसी पानी का हमें यूज करना है, इसलिए इसे रखेंगे और ठंडा होने देंगे दोनों चीजों को। मिर्च ठंडी हो गई है, अब इसमें चाकू से इस तरह से बीच में चीरा लगाना है, इस तरह से सारी मिर्च में हम चीरा लगा लेंगे पहले। सारी मिर्च में चीरा लगा लिया है, अब ये जो मसाला हमने बनाया था इसे थोड़ा थोड़ा सा हम इसके अंदर इस तरह से भर देंगे, इस तरह से सारी मिर्च भर लेंगे। सारी मिर्च में मसाला भर लिया है, अब इस तरह का कोई चीनी मिट्टी का या कांच का जार ले साफ सूखा, इसमें अब ये मिर्च हम रखेंगे। मिर्च को जार में भर लिया है, अब इसमें ये जो मसाला बचा हुआ था ये भी डाल देंगे ऊपर से, इस तरह से कर लेते हैं। अब ये जो पानी बचा हुआ था मिर्च जिसमें हमने उबाली थी, ये भी ठंडा हो चुका है, इस पानी को हम इसमें डाल देंगे। राजस्थानी पानी वाली मिर्ची का अचार बनकर तैयार है, इसे कांजी मिर्ची भी बोलते हैं। इसे आप 2 से 3 दिन तक धूप में रखिए, उसके बाद ये तैयार हो जाएगा खाने के लिए। धूप में रखेंगे तो जल्दी तैयार होगा, क्योंकि खट्टा जल्दी होगा और तभी इसका टेस्ट आएगा। अगर धूप में नहीं भी रखेंगे तो 1-2 दिन ज्यादा लग सकता है, लेकिन ये बिना धूप के भी तैयार हो जाएगा। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, जब ये आप जितना खट्टा चाह रहे हैं उतना खट्टा हो जाए। उसके बाद आप इसे फ्रिज में स्टोर करें तो 15 से 20 दिन तक आप इसको फ्रिज में रख के खा सकते हैं। और आज की चौथी और आखिरी रेसिपी है तरबूज के छिलके का स्वादिष्ट अचार। छिलके जो है इसका रेड वाला पार्ट तो हम लोग खा ही लेते हैं, ये जो थोड़ा बहुत इसमें लगा हुआ है इसे हम निकाल लेंगे और सिर्फ इसका ये सफेद वाला हिस्सा हमें रखना है। अब इसका ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इसे भी हमें छीलकर निकाल देना है, इस तरह से सारे छिलके इसके हटा लिए हैं। इसी तरह सारे जितने भी छिलके हैं ये इसको हम साफ कर लेते हैं, थोड़ा बहुत जो अंदर रेड वाला पार्ट लगा हो इसको निकाल देंगे और इसका एक ग्रीन वाला पार्ट भी निकाल देंगे। सारे छिलकों को छील लेंगे, सारे तरबूज को छील लिया है, अब इसे हमें काटना है। तरबूज को धोकर तब मैंने काटा था, इसलिए मैं इस समय नहीं धो रही हूँ। अगर आप इसको छीलने के बाद भी धोना चाहते हैं तो इसी समय धो लें, इसको बारीक काटेंगे जब हम अचार के लिए, तो उसके बाद आप ना धोएं क्योंकि फिर इसे सुखाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जब इस तरह से छील लें उसके बाद आप इसे धो लें, धोकर सूखे कपड़े से सुखा लें। अब हम इसे इस तरह से जैसा भी आप इसको जितना पतला या जिस साइज का रखना चाहें वैसे काट सकते हैं। थोड़ा पतला पतला और लंबा काटूंगी, मैं पहले इस तरह की स्लाइसेस इसकी कर लेती हूँ। और इस तरह से लंबी लंबी इसकी फांक हम काट लेंगे। आप अपने पसंद के हिसाब से इसको काट सकते हैं, लंबा चौकोर भी काट सकते हैं, जैसा आप पसंद करें। सारे छिलकों को काट लिया है, अब इसमें कुछ ये हरी मिर्च ली हैं 8 से 10, इनको भी धोकर इनकी डंडी हटा ली है, इन्हें धोकर और सूखे कपड़े से पोंछकर सुखा लिया है। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो अचार जल्दी खराब हो जाता है। इसे आप 2 टुकड़ों में काट के भी मिर्ची को डाल सकते हैं, या इस तरह से चीरा लगा लें आधा और इस तरह से भी डाल सकते हैं। आप इसे नहीं भी डालना चाहें मिर्च को तो ना डालें, ऐसे ही अचार बना लें। इस तरह से हम इसमें मिर्च डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले, बहुत ही कम, और हमारे सभी के घर में जो अवेलेबल होते हैं मसाले उन्हीं से ये बन जाएगा, इसके लिए कुछ स्पेशल मसालों की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें डालूंगी 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, 1 छोटा चम्मच साबुत सौंफ को हल्का सा दरदरा कूट लिया है, देखिए हल्का सा कूट के लिया है, ये डाल देंगे, और 1.5 टेबलस्पून राई का पाउडर लिया है, इससे हमारा अचार खट्टा हो जाएगा अच्छी तरह से और बहुत ही टेस्टी लगेगा। नमक डालेंगे स्वादानुसार, और अब इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून के करीब सरसों तेल है, मैं कच्चा ही यूज कर रही हूँ, जो सरसों तेल की झाज होती है वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है अचार में, इसलिए मैं कच्चा ही यूज कर रही हूँ। अगर आप इसे नहीं पसंद करते इसकी झाज को तो आप तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लें धुआं उठने तक, उसके बाद ठंडा करके तब डालें। तो 2 से 3 टेबलस्पून इसमें सरसों तेल डाल देंगे, और सबसे लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ विनेगर, इससे हमारा अचार लंबे समय तक खराब नहीं होता, ज्यादा चलता है। अगर आप इसे विनेगर के बिना भी बनाएंगे तो ये भी तभी ये लंबे समय तक चल जाता है, लेकिन विनेगर डालने से इसकी जो लाइफ है वो और बढ़ जाती है। तो 1 टेबलस्पून के करीब मैं विनेगर इसमें डाल दूंगी, ये वही व्हाइट सिरका है जो कि हम चाइनीज फूड में यूज करते हैं, इजिली कहीं भी मिल जाता है।
आप सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे एक सूखे साफ कांच के जार में या चीनी मिट्टी के जार में भरकर हम 2-3 दिन के लिए धूप दिखाएंगे। इससे जो राई है ये अचार को खट्टा करना शुरू कर देती है और हमारा अचार जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो 2-3 दिन की धूप आप दिखा लें, इसे 4-5 दिन में अचार बनकर तैयार हो जाएगा खाने के लिए। और आप इसको जब ये खट्टा हो जाए इतना जितना आप पसंद करते हैं तो आप इसको फ्रिज में स्टोर करें। अगर आप बाहर ही रख देंगे तो अचार खराब तो नहीं होगा लेकिन ये बहुत ज्यादा खट्टा हो जाएगा। तो जितना खट्टा आप पसंद करते हैं, जब अचार उतना खट्टा हो जाए तो उसे फ्रिज में स्टोर कर लें। इसमें हमने विनेगर भी डाला है तो आराम से ये 2-2.5 महीने आराम से चल जाता है। विनेगर नहीं डालेंगे तब भी ये 1 महीने तक जल्दी से खराब नहीं होगा। नमक और सरसों तेल प्रिजर्वेटिव का काम करेंगे तो हमारा बहुत ही टेस्टी तरबूज के छिलकों का अचार बनकर तैयार है। इसे एक बार बनाकर ट्राई जरूर कीजिएगा।